साइंस एंड वैल्यूज पार्ट 2। क्वेश्चन 2। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आवर एज नीड्स। कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमारे दौर को ज़रूरत है, एंड सर्टन थिंग्स दैट इट वुड अवॉइड। और कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करनी है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ रसल्स ऐसे, रसल के ऐसे साइंस एंड वैल्यूज़ की रोशनी में डिस्कस करें। 2015 गुजरात यूनिवर्सिटी। डिस्क्राइब द गुड थिंग्स साइंस कैन इंक्रीज। वो कौन सी चीज़ें हैं जो साइंस बढ़ा सकती है, खुशियाँ। एंड बैड थिंग्स, और कौन सी गलत चीज़ें हैं इट कैन डिमिनिश, जिनको ये ख़त्म कर सकती है। साइंस एंड वैल्यूज़ 2016 AJKU। कौन सी चीज़ें हैं जिनको साइंस बढ़ा सकती है, कौन सी बुरी चीज़ें हैं जिनको साइंस ख़त्म कर सकती है। क्वेश्चन 3। हाउ डज बर्ट्रैंड रसल प्रूव दैट। किस तरह बर्ट्रैंड रसल ने ये साबित किया फिनेटिकल क्रीड्स, जनूनी अकायद, जनूनी फ़िरके, जनूनी अकायद, जनूनी मजहब आर हार्मफुल टू मैनकाइंड, कि ये इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। जनूनी हिंदू इंसान के लिए नुकसानदेह है। साइंस एंड वैल्यूज़ 2016। क्वेश्चन 4। हाउ द डेथ विश इज हर्डल। किस तरह मौत की ख्वाहिश रुकावट है। इन द वे ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, इंसानी तरक्की में रुकावट है। डिस्कस साइंस एंड वैल्यूज़ 2015 PU UOS। मौत की ख्वाहिश करना ये किस तरह इंसान की तरक्की में रुकावट है। Question 5. What are the three attitudes towards suffering of man? इंसान के दुखों के बारे में तीन रवैये कौन से हैं? And which of these is really beneficial? कौन सा रवैया मुफीद है? Discuss 2013 AJKU। Question 6. How far are Russell's views about the world state? पूरी दुनिया एक ही मुल्क हो, एक ही स्टेट हो, ये व्यू, नज़रिया कन्वेंसिंग, कहाँ तक कायल करने वाला है, कहाँ तक हमें अट्रैक्ट करता है। 2015 PU। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, क्या रुकावटें हैं इन द वे ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड गुड या वर्ल्ड स्टेट। क्या रुकावटें हैं दुनिया को अच्छा बनाने में या दुनिया की एक गवर्नमेंट बनाने में, क्या रुकावटें हैं। डिस्कस 2016 UOS PU। व्हाट इज द स्क्रूटनी, तज्जिया, क्या तज्जिया है रसल का अबाउट वार, जंग के बारे में। डू यू एग्री विद रसल्स व्यू दैट, क्या आप रसल के इस व्यू से एग्री करते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल अथॉरिटी, कि एक ही गवर्नमेंट को तश्कील देना इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, विल अबोलिश वार, ये जंगों को ख़त्म कर देगी। जहरी बात है, अगर इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर ही नहीं तो हम आर्मी, 10 लाख आर्मी का क्या करेंगे, हम जंग क्यों लड़ेंगे। हम सिंध के साथ जंग नहीं लड़ते, अगर इंडिया एक होगा, चाइना एक होगा, रशिया एक होगा, हमें किसी से जंग नहीं लड़नी। 2015 PU। देयर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Bhutta। माय व्हाट्सएप इज 03334655305 फॉर नोट्स एंड ऑडियो लेक्चर्स। आंसर 2। Russell slew the beautiful theories of moralists. रसल ने इखलाक का दर्श देने वालों की थेरीज को रिजेक्ट कर दिया। वो जो खूबसूरत थेरीज थी सल्यू उनको ज़िबा कर दिया। इखलाक का नाम निहाद इखलाक का दर्श देने वाले लोगों की थेरीज को सल्यू रिजेक्ट कर दिया, ज़िबा कर दिया। प्रीस्ट्स पादरियों की थेरी को रिजेक्ट कर दिया। ट्रूपर्स जंगजुओं की थेरीज को रिजेक्ट कर दिया। फंडामेंटलिस्ट्स और बुनियाद परस्त कदीम तर्ज के लोगों की थेरीज को रिजेक्ट कर दिया। सेंटिमेंटलिस्ट्स और वो जो जज्बाती लोग हैं जज्बातियों की थेरीज को रिजेक्ट कर दिया। बाय अगली फैक्ट्स बदसूरत हक़ैक़ के साथ रसल तमाम मजहबी स्कॉलर्स और कदीम तर्ज के लोग और इखलाक का दर्श देने वाले और जनूनी जज्बाती लोगों की थेरीज को रिजेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू हिम उसके मुताबिक साइंस कैन हेल्प अस अ लॉट इन मेकिंग द वन वर्ल्ड प्रॉस्पिरियस एंड पीसफुल। वो कहता है साइंस हमारी मदद कर सकती है बहुत ज़्यादा वन वर्ल्ड बनाने में, पूरी दुनिया को यकजा करने में, पूरी दुनिया का एक मुल्क बनाने में, वो भी प्रॉस्पिरियस खुशहाल एंड पीसफुल और पुरमन। पूरी दुनिया की एक कंट्री खुशहाल और पुरअमन बनाने में साइंस मदद कर सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम उसके मुताबिक वो ये पूरे ऐसे में ये बात नहीं करता कि साइंस किस किस तरह मदद करती है। वो ये बात करता है कि साइंस मदद करती है, आप अपने अक़दार ठीक कीजिए, रवैये ठीक कीजिए, अपने अंदाज ठीक कीजिए, नज़रियात ठीक कीजिए। साइंस मदद करती है, आपने अपने आप को ठीक करना है। कितनी बड़ी बातें की हैं उसने। और लोग ढूंढते हैं इस ऐसे के अंदर के साइंस ने क्या हेल्प की है। इतना छोटा कद नहीं है रसल का कि वो ये डिस्कस करे कि साइंस ने आपको कंप्यूटर लैपटॉप या इस तरह की चीज़ बना कर दी। वो कहते हैं कि आप ठीक करें अपने आप को, अपनी कदरें ठीक करें, साइंस मदद करती है। चाहे जनूनी हिंदू आएगा या कोई पादरी आएगा, साइंस दोनों को मेडिसिन देगी, इलाज करेगी, ऑपरेशन करेगी। अकॉर्डिंग टू हिम रसल के मुताबिक आवर एज नीड्स लव, हमारे दौर को ज़रूरत है मोहब्बत की। ये हमारी कदर होनी चाहिए, ये हमारा रवैया होना चाहिए। फ्री थिंकिंग, हमारे दौर को ज़रूरत है आज़ादाना सोचने की। फ्री थिंकिंग से मुराद क्या है कि एक आदमी मंदिर या चर्च को मलहूज़ खातिर रख कर ना सोचे, बल्कि फ्री थिंकिंग करे, खुला सोचे। इंटेलेक्चुअल अनेस्टी ज़हनी ईमानदारी की ज़रूरत है, अक्ली ईमानदारी की, होप की ज़रूरत है, म्यूचुअल ट्रस्ट की ज़रूरत है। ये हमारी कदरें हैं, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। ये जो 6 बातें की हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये हमारी कदरें हैं, वैल्यूज़ हैं, हमारे रवैये हैं जो हमारे होने चाहिए। इन चीज़ों की हमारे एज को ज़रूरत है। द थिंग्स दैट आवर एज मस्ट अवॉइड, जिन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, छोड़ना है, परहेज़ करनी है। आर द टाइमी, हमें जुल्म से परहेज़ करना है, कंपटीशन मुकाबला से परहेज़ करना है। क्लास में बैठे 2 बच्चे आपस में मुकाबला करते हैं, क्यों करते हैं? गलत है। 2 स्टेट के सरबरा आपस में मुकाबला करते हैं, गलत है। रसल मुकाबले के खिलाफ है, कहते इससे दुश्मनी जन्म लेती है। इर्रेशनल सब्जेक्टिविटी, गैर अकली जिद, इसको छोड़ना है हमें। फिनेटिसिज्म जनून तासुब को छोड़ना है हमें। फिनेटिसिज्म गिव्स बर्थ टू हटर्ड, क्योंकि जनून जब आप मंदिर के साथ जुड़ गए तो आपको चर्च से लाजमी नफरत होगी, तो गिव बर्थ टू हटर्ड। वो फिनेटिसिज्म जनून किसी एक मज़हब के साथ ये नफरत को जन्म देता है। एंड स्टॉप्स द वे ऑफ फ्री थिंकिंग, इससे फ्री थिंकिंग का रास्ता बंद होता है, लीडिंग टू वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो फ्री थिंकिंग जो हमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की तरफ ले जाती है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने का सबसे ज़्यादा फायदा गरीबों को होगा, हमें होगा, थर्ड वर्ल्ड को होगा। इसीलिए अमीर कंट्री ये बनने नहीं देते। डेथ विश आल्सो अ हर्डल इन द वे ऑफ वर्ल्डली प्रोग्रेस। मौत की ख्वाहिश करना ये भी रुकावट है वर्ल्डली प्रोग्रेस, दुनियावी तरक्की में। ये डेथ विश क्या है? आप करते हैं, कौन करता है? डेथ विश मीन्स टेकिंग नो इंटरेस्ट इन वर्ल्ड। डेथ विश का मतलब है दुनिया में इंटरेस्ट ना लेना, बट इन आफ्टर वर्ल्ड, बल्कि इसके बाद की दुनिया में इंटरेस्ट लेना, मरने की बाद की जो दुनिया है, जन्नत दोजक, उसमें इंटरेस्ट लेना, और जिस दुनिया में मौजूद हैं उसमें इंटरेस्ट ना लेना। और पाए जी ऐसी तो मर जाना है, क्या ज़रूरत है घर को इतना अच्छा बनाने की, हमने तो मर जाना है। जब ये सोच आ गई, ये डेथ विश है, फिर आप घर को अच्छा नहीं बनाएंगे, फिर आगे का सफ़र सोचेंगे। आप अपने मोहल्ले में हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, आप मंदिर बनवाएंगे ताकि मेरा जन्नत में घर बन जाए। He says that the death wish, वो कहता है death wish, मौत की ख्वाहिश करना जन्नत के लिए, must be changed with hope, इसको उम्मीद से तब्दील कर दो, and happy world, और इसको खुशहाल दुनिया से तब्दील करना चाहिए। death wish की जगह खुशहाल दुनिया का ख्याल होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। कहता नहीं राइटर ने कहा था, खोज से पहले फलक की फर्ज माटी की अदा कर, सूरज पे कह का जन हो। ये बुक थी मेरी और ये मैंने गोश गुजार किया था आपके। फर्दर ही सेज दैट देयर आर थ्री एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द सफरिंग ऑफ द सिक वर्ल्ड। वो कहता है इंसान के तीन रवैये हैं दुखों के हवाले से, इस बीमार दुनिया के अंदर जो दुख हैं, उस दुखों के हवाले से इंसान तीन रवैये रखता है। आपके कार्नर पर एक्सीडेंट हुआ है और एक शख्स का शोल्डर फट गया है और वहाँ से गोश्त, पोस्ट और हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। इस मंजर को देखकर इंसान के तीन रवैये हो सकते हैं। वन इज़ द एटीट्यूड ऑफ द सैडिस्ट। पहला एटीट्यूड है, रवैया है सैडिस्ट का। सैडिस्ट मीन कातिल, जालिम। एंड ही मे फाइंड प्लेयर इन सफरिंग, वो इस शख्स को दुख में देखकर खुशी महसूस करेगा, हा 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 ठीक हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है, और पजाओ मोटरसाइकिल। सेकेंड इज सेंटिमेंटलिस्ट, दूसरा है जज्बाती रवैया। जज्बाती आदमी क्या करेगा? एंड ही मे फील सॉरी एट सच सफरिंग्स, वो ऐसी सफरिंग को देखकर, मुसीबत को देखकर, मुश्किल को देखकर उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, आंसू बहाएगा, मिस करेगा, हाय हाय ये क्या हो गया, ओए होए ओए होए, वो इतना, वो बहुत बुरी हालत थी यार, देखा नहीं गया मुझसे, वो ऐसी बातें करेगा। द थर्ड वन इज अ कंपैशनेट, तीसरा है हमदर्द, कंपैशनेट क्या करता है? एंड ही मे ट्रूली ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन, और ये शख्स एक्सीडेंट की, मुसीबत की वजह को समझने की कोशिश करेगा। एंड रिमूव दी सफरिंग्स, और इस मुसीबत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। यानी कि कंपैशनेट तीसरा जो रवैया है, ये शख्स आएगा, उस शख्स को कंधे पर डालेगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा, और वापस आएगा, हथौड़ा उठाएगा, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उस कॉर्नर को खुला कर देगा। ये रीजन तलाश करता है और ये हल निकालता है। ही इज इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, ये तीसरा शख्स जो है ये अक्ली ईमानदार है। रसल फेवर्स द थर्ड एटीट्यूड, रसल को पसंद है कंपैशनेट तीसरा रवैया। सोचिए आप कौन स्टेज पर हैं। ही कंक्लूडेड हिज एसे विद अ सॉल्यूशन, अपने ऐसे को कंक्लूड करता है इस सॉल्यूशन के साथ। टुडे द डेंजर ऑफ वॉर इज हायर देन इन एनी अर्लियर सोसाइटीज, आज जंग के खतरात ज्यादा हैं पिछले माशरों की निस्बत। पहले दौर में जंग इतनी खतरनाक नहीं थी, आज ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब्स हैं, जदीद वेपन्स हैं और रेज हैं। अगर जंग हुई तो दुनिया की सारी मर जाएगी और खाली हो जाएगी, ये गोला खाली घूमता रहेगा पूरी खला में। तो जंग इंतहाई खौफनाक है और जंगों का नुकसान ये है कि हमें जंग की तैयारी करनी पड़ती है और दिफा के लिए लोग पालने पड़ते हैं। तो इस पर हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मैं अगर 100 रुपीज़ कमाता हूँ तो 90 रुपीज़ मैंने सिक्योरिटी गार्ड को देने हैं जो मेरे घर की हिफाजत करेगा। अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो, साथ वाले के साथ आपका झगड़ा ही ना हो, वार ही ना हो, तो 100 रुपये होंगे। तो सोचें पूरे 100 रुपीज़ मैं शूज़ भी अच्छे ख़रीदूँगा, मैं अच्छा खाना भी खाऊँगा और मेरा मेडिकल भी अच्छा होगा, मेरा रहन सहन स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। तो जंगें नुकसानदेह हैं। दिस डेंजर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेकिंग वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और जंग के ख़तरात को कंट्रोल किया जा सकता है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना के। पूरी दुनिया के बॉर्डर ख़त्म कर दें, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, सब एक ही कंट्री है, इंसानों के लिए सरजमीन है और इस पर सारे मिलकर रहेंगे, किसी को किसी से कोई ख़तरा नहीं। छोटे छोटे रिवोल्ट होंगे, मसाइल होंगे, बस थोड़ी सी आर्मी होगी या पुलिस होगी, हैंडल करेगी। गूगल है, कैमरा सिस्टम है, हर चीज़ अवेलेबल है। इट विल ब्रिंग हेल्थ, इससे सेहत आएगी, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली आएगी, एंड रिचनेस, और हम सब अमीर हो जाएंगे टू कलेक्टिव वर्ल्ड, और कलेक्टिव वर्ल्ड बनाएंगे, पूरी दुनिया इकट्ठे मिलकर जिंदा रहेगी। खुशियां कलेक्टिव खुशियां होंगी, इंडिविजुअल हैप्पीनेस नहीं होगी। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो कहते हैं 50 खानदान हैं जो हैप्पी हैं, बाकी सारे के सारे 16-16 घंटे काम करते हैं, घर के काम भी काम होते हैं, सिर्फ ऑफिस का काम काम नहीं होता, 16 घंटे काम करते हैं आप। रसल कहता है इंसान को सिर्फ 2 आवर्स काम करना चाहिए। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye-bye.